हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल बाय पार्ट्स। देखिए, इंटीग्रल के बहुत सारे फार्मूले हमने पढ़े, बहुत सारे मेथड्स पढ़े। आज हम बात करेंगे, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में लिखे हों तो हम इंटीग्रल कैसे करते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा कि भाई फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ ऐसा नहीं होता है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हों और आपको इंटीग्रल करना हो, एक फर्स्ट फंक्शन है इनटू एक सेकेंड फंक्शन है और इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, और ये जो भी रिजल्ट आएगा इसका होल इंटीग्रेशन हम कर देंगे। तो दिस इज़ द फार्मूला फॉर द इंटीग्रेशन व्हेन द टू फंक्शंस आर गिवन इन मल्टीप्लिकेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई फर्स्ट किसको मानेंगे और सेकंड किसको मानेंगे। तो देखिए, अगर ध्यान से समझिएगा, इसको डिसाइड करने के लिए ये डिफरेंशिएशन नहीं है कि जिसको चाहो उसको डिसाइड कर लो, जी नहीं। यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कि एक आईलेट, आईलेट मतलब होता है जब ना आए तो लेट जाओ और लेट के सो जाओ, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, सुनिए ध्यान से। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल मतलब जैसे ई टू पावर एक्स है, ई टू पावर एक्स है, ऐसे फंक्शन कहलाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। दूसरा होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं, साइन कॉस टेन। तीसरा होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब जो एल्जेब्रा वाले होते हैं, एक्स पावर एन ये सब जो दिए होते हैं। L का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी जो लॉग वाले होंगे। और A का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स। देखो, इनमें से जो पहले आएगा वो फर्स्ट माना जाएगा। जैसे मान लिया, अब आने ही नहीं में से पांच में से है, क्योंकि पांच ही प्रकार के फंक्शंस होते हैं। तो अगर मान लिया ट्रिग्नोमेट्रिकल आ गया और लॉगरिथमिक आ गया, तो लॉगरिथमिक को आप फर्स्ट मानेंगे। तो दिस इज द मेथड टू चूज फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 7.6। इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला बार 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 अप्लाई होगा, आगे चल के बहुत सारे अप्लाई होंगे। इसके पहले के कॉन्सेप्ट हमारे वीडियोस पढ़े हुए हैं, उन्हें देख लीजिएगा। जैसे मान लिया हम 7.6 एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 7.6 का पहला क्वेश्चन, एक्स साइन एक्स, आई हमेशा मानते हैं इंटीग्रल को, एक्स साइन एक्स जिसके रेस्पेक्ट कर रहे हो डी एक्स हो गया। अब देखिए, फौरन आप लेट जाइए, नहीं मतलब लेट सोने के लिए नहीं, आई लेट, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। अब देखिए, पहले कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, पहले एल्जेब्रिक दिया हुआ है, तो इसको आप फर्स्ट मानेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकेंड फंक्शन होगा, बस शुरू हो जाओ। क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स डी एक्स। और देखो, जो भी रिजल्ट आए इसको पहले आप कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे और जो इसका साइज होगा उसके हिसाब से इंटीग्रल लगाएंगे। इंटीग्रल पहले मत नन्ना बुद्धा सा ऐसे लगा दीजिएगा, ये उसके साइज के हिसाब से होगा, ठीक। इसलिए बाद में हमने लिखा है फर्स्ट फंक्शन एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस का कॉज एक्स, माइनस होल इंटीग्रल, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, साइन एक्स का माइनस कॉज एक्स, ये प्लस हो जाएगा कॉज एक्स डी एक्स, ये आएगा माइनस एक्स कॉज एक्स, और कॉज एक्स का इंटीग्रल आप जानते हैं साइन एक्स, और आप जानते हैं एज ए इनडेफिनिट इंटीग्रल एक कॉन्स्टेंट ऐड किया जाता है, रीजन मैंने बताया हुआ है, तो प्लस सी। तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज अ क्वेश्चन फर्स्ट हाउ यू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, समझ में आ गया होगा, जी हाँ, इसको नोट कर लीजिएगा। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, हम रेंडमली डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आई विल डिस्कस नियरली ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड है आई इज इक्वल टू, आई हमेशा मानते हैं, जैसे डिफ्रेंसिएशन में वाई माना जाता है, यहाँ हमेशा आई मानिएगा। कंसेप्ट क्या है वो आगे समझ में आएगा आपको। इंटीग्रल एक्स साइन थ्री एक्स, एक्स साइन थ्री एक्स डी एक्स, दिख रहा होगा एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिकल, फर्स्ट से लेट जाओ
आइलेट, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक फर्स्ट माना जाएगा, तो आएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, और जो भी रिजल्ट आएगा टू द होल इंटीग्रेशन। कांस्टेंट को आप चाहे तो यही प्लस कर दीजिए या बाद में प्लस करिएगा, यू हैव टू ऐड द कांस्टेंट एक्स। अब देखिए साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स और साइन ए एक्स का इंटीग्रल, तो इतनी छूट आपको है कि उसके लिए आपको 3x को t मान के कुछ नहीं करना है, ये 1 अपान 3 बाहर आ जाएगा, तो माइनस 1 अपान 3 cos 3x, कॉन्सेप्ट इतना आता होगा आपको। माइनस इंटीग्रल x का डिफरेंशिएशन 1, sin 3x का माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1 अपान 3 cos 3x dx, इसको करेंगे तो आएगा माइनस x अपान 3 cos 3x प्लस 1 अपान 3, और जब cos 3x को करेंगे तो क्या होता है 1 अपान 3 साइन 3x, साइन 3x प्लस सी, यू कैन कैलकुलेट इट, माइनस x बाई 3 cos 3x प्लस 1 बाई 9 साइन 3x प्लस सी, सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ओके यू नोट नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये चूँकि आप जानते हैं साइन 3x का इंटीग्रल क्या होता है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे कि कैसे t मान के लगाया जाता है, इसकी पहली एक्सरसाइज में आपने इसको किया है इसलिए हम नहीं बता रहे। ओके कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, आईलेट लेटा हुआ है उसको जब जरूरत हो जो जगा लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स डी एक्स। देखिए ई टू पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है और एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक है, और चूंकि एल्जेब्रिक पहले दिया हुआ है तो आप एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे, तो क्या होगा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, जो भी रिजल्ट ये वाला आएगा टू द होल इंटीग्रेशन, इसको पूरे का इंटीग्रल कर देंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, और ई टू पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू पावर एक्स होता है माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू विल गेट टू एक्स इंटू ई टू पावर एक्स डी एक्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब इन दोनों में से दोनों का इंटीग्रल हो सकता है, दोनों का डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो इसको प्रेफरेंस क्यों दी आपने फर्स्ट मानने की। देखिए ध्यान से, अगर आपने एक्स स्क्वायर को इंटीग्रल करने की गलती की, गुस्ताखी इसको कहते हैं उर्दू में, की तो एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा, यानी यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा, आप क्वेश्चन कर रहे थे एक्स स्क्वायर एक पावर और बढ़ गई तो इंटीग्रल कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए किया जाता है ना। अब देखो यहाँ फिर दो फंक्शन आ गए तो यहाँ पर फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेकिन ये ध्यान रखिए ये माइनस पीछे भागेगा, इसलिए इसको बिल्कुल माइनस टू को बिल्कुल बाहर कर दो। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, जो भी ये रिजल्ट आएगा इसका होल इंटीग्रेशन करेंगे। ये ब्रैकेट इसलिए बंद है क्योंकि माइनस टू ये दंदनाता हुआ अंदर जाएगा, इट विल चेंज द साइन, तो दिस विल कम एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स माइनस टू, इसको करेंगे एक्स ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स माइनस, देखो यहाँ देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ई टू पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू पावर एक्स और फिर इंटीग्रल तो फिर ई टू पावर एक्स और प्लस सी, ब्रैकेट खोल दीजिए उठा करके, एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स माइनस टू एक्स ई टू पावर एक्स प्लस टू ई टू पावर एक्स प्लस सी। अब यू कैन लीव योर आंसर हियर, यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम दीज थ्री स्टेप्स, ई टू पावर एक्स दिस इज योर आंसर, यू टेक द कॉमन, ई टू पावर एक्स इज कॉमन, यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस सी, तो दिस इज द वे टू इंटीग्रेट when two functions are given in multiplication, and this is the way to decide ki which function you have to take first and which you will take second, and second thing why we are taking x square as first function not e to power x, so this is the reason, theek hai. Now come to the fourth question, dekhiye kabhi kabhi kya hota hai kuch functions ke integral nahi hote, jaise log x ka integral nahi hota तो मजबूरी में log x को फर्स्ट मानना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रल नहीं होता,
तो रूल तो है ही हमारे पास, वो रूल लगेगा, लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ पर इंटीग्रल नहीं होता है वहाँ उसको मानना पड़ता है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फोर्थ क्वेश्चन। क्या है? आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स लॉग एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स। आपको मालूम है कैलकुलस में कि इफ लॉग एक्स इज गिवन एंड इट्स बेस इज नॉट गिवन, तो ऑलवेज यू टेक बेस ई, आपको हमेशा ई मानना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स हो गया अल्जेब्रिक और ये हो गया लॉगरिथमिक। लॉग पहले दिया हुआ है, इससे लॉग को फर्स्ट मानेंगे, पहली बात। अब आप कहेंगे सर ये बताओ एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो वन होता है, तो क्या दिक्कत है? अरे भाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन होता है तो लॉग एक्स तो इंटीग्रल ही नहीं होता है। जब लॉग एक्स का इंटीग्रल ही नहीं होता, देखिए रूल अलग चीज़ होती है कि लॉग को फर्स्ट मानना। अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि एक्स को अगर आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो पावर बढ़ जाती है, ठीक है, हम जानते हैं बढ़ जाती है, लेकिन मजबूरी यहाँ पर है कि मैं एक्स को लॉग एक्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे लॉग एक्स को फर्स्ट मानना ही पड़ेगा। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर आएगा फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज लॉग एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ टू द सेकेंड फंक्शन। व्हाट रिजल्ट यू विल गेट, इस पूरे को आपको इंटीग्रेट करना है। तो दिस विल कम लॉग एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस होल इंटीग्रल जो लिखा लॉग एक्स का वन बाई एक्स, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। अब जरा देखिए ध्यान से, थोड़ा सा अच्छा लगता है इसको पहले लिख दो, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स माइनस, देखो यहाँ से वन बाई टू तो हो गया बाहर, एक एक्स से एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो दिस विल कम एक्स डी एक्स और एक्स का इंटीग्रल आप जानते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, तो वन बाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। फोर्थ क्वेश्चन, नोट डाउन इट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज जस्ट लाइक फोर्थ क्वेश्चन, कुछ अमेंडमेंट उसमें है, देखो ध्यान से, समझ में आ गई होगी बात कि मैंने एक्स को क्यों फर्स्ट नहीं माना, क्योंकि लॉग एक्स को अगर हम फर्स्ट नहीं मानते तो लॉग एक्स का इंटीग्रल होता ही नहीं है। आइलेट का रूल तो है ही हमारे पास, वो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स लॉग टू एक्स, एक्स इंटू लॉग टू एक्स डी एक्स। बेस आप जानते हैं यहाँ पर ई लिखा जाएगा, एक्स एल्जेब्रिक, एल लॉग फर्स्ट माना जाएगा, अभी बता चुके हैं हम। तो क्या आएगा, लॉग टू एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टू एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। व्हाट रिजल्ट यू विल गेट, इट्स होल इंटीग्रेशन। तो दिस विल कम लॉग एक्स लॉग टू एक्स और एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रल। देखिए जब लॉग टू एक्स को करेंगे तो ध्यान समझिएगा, ये डिफ्रेंशिएशन है, यू आर नॉट गोइंग टू इंटीग्रेट। इसको आप t मानेंगे, इसका हो जाएगा 1 बाई टू एक्स और 2x करेंगे 2 आएगा इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका इंटीग्रेशन dx। तो इसको पहले लिख दीजिएगा, इस 2 से इस 2 को मत कैंसिल कर दीजिएगा क्योंकि ये लॉग है 2x का, इट इज़ नॉट इन मल्टीप्लीकेशन। तो एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग 2x माइनस, देखिए ये 2 से 2 कट गया, ये एक्स से एक x कट गया, ये 1 बाई टू बाहर हो गया, ये x बचेगा, इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, इसको बाई फोर कर दीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी। दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे बिकॉज डिफ्रेंसिएशन भी आपका क्लियर है, वो वाला क्लियर नहीं, क्लियर है, और लॉग को कैसे एक्स के टू एक्स होगा करते हैं ये आप जानते हैं रूल। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ओके, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू सिक्स क्वेश्चन। कैलकुलेशन ज़्यादा देख लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि रिकॉर्डिंग तो कैमरे में हो गई और कहीं गलती से प्लस का माइनस लग गया तो वो इसमें दिखता नहीं है, फिर आप लोग कमेंट करेंगे वाह बेटा काहे प्लस को माइनस लिख रहे हो, अरे वो गलती हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स। ओके, सिक्स क्वेश्चन क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डी एक्स। ये कर चुके हैं अभी आप, फर्स्ट फंक्शन क्या मानेंगे, लॉग एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ
log x into integral of x square dx, and what result you will get, you will integrate it again, whole integration. So this will come x cube by 3. पहले लिख दो इसको, क्या दिक्कत है. Into log x, base हम जानते हैं e होता है, integral log x का 1 by x into x cube by 3 dx. इसको आप जानते हैं कि भाई 3 बाहर आ जाएगा, एक x इसकी डिग्री को कम कर देगा, तो दिस विल कम x क्यूब बाई 3 इंटू लॉग एक्स माइनस 1 बाई 3 बाहर कर दो, इंटीग्रल हो जाएगा x स्क्वायर dx. तो दिस विल कम x क्यूब बाई 3 इंटू लॉग एक्स माइनस 1 बाई 3 इंटू x क्यूब बाई 3 प्लस c. इसको 9 कर दीजिएगा, दिस इज योर आंसर. दिस इज 6th क्वेश्चन. I is equal to integral x tan inverse x, x tan inverse x dx. फिर I लेट जाओ आराम से, algebraic और inverse. वैसे भी tan inverse x का integral नहीं होता, तो क्या करेंगे, tan inverse x into integral of second function minus d by dx of first function into integral of second function, and what result you will get here, you have to integrate this whole result. So this will come tan inverse x into x ka integral x square by 2 minus tan inverse x ka differentiation 1 upon 1 plus x square aur iska x square by 2 dx. Is 2 ko idhar le aao to aayega x square by 2 tan inverse x minus 1 by 2 बाहर कर दो, फिर वही देखिए सिस्टम आ गया, x square upon 1 plus x square. हमने plus 1 कर दिया, minus 1 कर दिया, अभी थोड़ी देर पहले किया था, क्योंकि सेम रिजल्ट हम ऊपर ला सकते हैं. ठीक है, इसको अलग कर दोगे, tan inverse x minus 1 by 2. देखिए इसको अलग करेंगे तो x square plus 1 upon 1 plus x square अलग हो जाएगा, और minus 1 upon 1 plus x square अलग हो जाएगा. ये कैंसिल हो गया. अब ये देखना इतनी स्पीड से आप क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, केवल फार्मूला हमको अप्लाई करना है. इसको करेंगे तो आएगा x स्क्वायर अपान 2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपान 2. देखो ये 1 आएगा, 1 का इंटीग्रल x माइनस माइनस प्लस इसका tan इनवर्स x. चाहो तो यहाँ कॉमन ले लो, चाहो यहीं पर आंसर को छोड़ सकते हैं. तो दिस इज योर आंसर. हाँ 1 बाई 2 ये अंदर जाएगा, दिस इज 1 बाई 2, तो प्लस सी. ठीक है, यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस next in the next video. Thank you.